और देखिए मॉस्को हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। दुखद समय में भारत रूस के साथ है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रूस के साथ खड़े होने पर सराहा। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स, ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं है, ये फ्रॉड है, कहानी बिल्कुल चोरी, 420 की कहानियां कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने, रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया करने जा रहा है और आई थिंक उस तरह चाइना करने जा रहा है। लेकिन अब ये जो आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने S-400 भी उनसे लिया और अमेरिका के मना करने के बावजूद तुर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट। हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं वो सारी हमने, मगर अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, रूस में एक बहुत ही भयंकर हमला इस्लामिक स्टेट्स आतंकवादी ग्रुप की तरफ से हुआ। दोस्तों, ये वही इस्लामिक स्टेट्स है जो इराक एंड सीरिया में काफ़ी लंबे समय से ऑपरेट करता रहा है। अबू बकर अल बगदादी नाम का एक आतंकवादी था, ये इसका उस समय पे सीनियर कमांडर हुआ करता था, यानी मुख्य हेड हुआ करता था, उसी की ये ऑर्गेनाइजेशन है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। वहाँ से दोस्तों ये अधिकतर ईसाई बहुल और यहूदियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ईसाई पता नहीं इनका मुस्लिमों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये मुझे इतना डिटेल में याद नहीं है, पता भी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने रूस में एक भयंकर एक हमला किया जिसमें बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा रूसी नागरिक एलिमिनेट हुए। दोस्तों, ISIS को आर्थिक सहायता मिलती है तुर्की की तरफ से, तुर्की रचित तैयब अर्दवान जो कि भारत के खिलाफ भी काफ़ी जहर उगलता रहता है, वो तुर्की की तरफ से, इस्लामिक दुनिया का अपने आप को हेड समझता है तुर्की, वही तुर्की। और दोस्तों, जो फंडिंग हुई है, ये जो अटैक्स हुए मॉस्को में, इसमें ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो इसमें वेपन्स यूज हुए उनमें से सम हाउ, ये रूसी पत्रकार का दावा है, 2-4 रूसी पत्रकार ने कहा है इसमें पाकिस्तानी वेपन्स भी प्रयोग हो सकते हैं। तो जाँच जारी है, लेट्स सी, अगर पाकिस्तानी वेपन मिलते हैं तो आप लोग को पता है फिर रूस क्या करने में माहिर है, रूस तो पाकिस्तान को बड़े अच्छे से बताएगा और अब काफ़ी आगे तक मामला जाएगा, देखते हैं। लेकिन ये आप लोग समझ सकते हैं कि कई लोग कमेंट कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। भाई पिछले 10 सालों से 99.9% आतंकवाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब से हुआ है, वो मजहब आप लोगों को पता है, इस्लामिक स्टेट्स ने, इस्लामिक स्टेट्स के आतंकियों ने हमला किया, तो मजहब आपको बाकायदा पता होगा। ये क्या है, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है या नहीं, वो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। खबर आपको दें मॉस्को से, जहां पर क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके हुए, 40 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, जैसे कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है। मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बोला गया है कि रूस जो है मुस्लिम विरोधी है, क्यों करा इस्लामिक स्टेट ने रूस के ऊपर अटैक, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स, ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं है, ये फ्रॉड है, कहानी बिल्कुल चोरी, 420 की कहानियां कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने, रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। इफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड डूइंग इट, विच इज डूइंग इट, इट्स चाइना, इट्स नो अदर कंट्री, नॉट अमेरिका, Certainly not Europe, not Russia, it's China. China के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा, China के जो vessels हैं, China के जो बड़े बड़े ships हैं जो China आ रहे हैं उन पर भी attack नहीं हो रहा है, उन पर भी attack नहीं हो रहा है। हर एक देश के ship पे attack हो रहा है, वहां पे Chinese ships पे attack नहीं हो रहा। लाल सागर और उसके नीचे वाले area के बारे में बात कर रहा हूँ,
वहां पे हर एक शिप को अटैक कर रहे हैं बॉस, एवरी डे चाइनीज शिप को कोई नहीं हाथ लगा रहा। यहां पे चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, वीगर मुसलमानों को किसी ने चूं तक नहीं करी, मुस्लिम देश ने चूं तक नहीं करी, इस्लामिक स्टेट ने चूं तक नहीं करी, अलकायदा ने चूं तक नहीं करी, सब चाइना को बाप बाप कर रहे हैं जितने भी ये बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं। ये देखिए साहब, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया बेयरिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट रशिया फ्यूल्स मोटिवेशन फॉर अटैक्स। ये एक और थ्योरी है कि साहब यहां पे जो मिलिटेंट्स हैं, यहां पे जो आतंकवादी हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, यहां पे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, आतंकी हैं, वो रूस के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे। अच्छा, एक बड़ी यूएस का रिस्पांस क्या है, यूएस ने बोला है कि हां ये आईसिस के ने करा है, हमें पता लगा है, उनके टेलीग्राम चैनल को हम ट्रैक कर रहे थे। पब्लिक एडवाइजरी अमेरिकन को इन्होंने दी है जो रशिया में रह रहे हैं कि और खतरा भी हो सकता है, ग्लोबल टेररिज्म के थ्रेट को बताया और बोला है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एक तो ये बात है, दूसरी चीज ये है कि इसी महीने मार्च के महीने में शुरुआत में यूएस ने रूस को यह बोल दिया था कि बॉस तुम्हारे देश में एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है, ऐसा अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहां एक आतंकवादी गतिविधि बड़े पैमाने पर होने वाली है, अटैक होने वाला है, और इसके तहत यह ड्यूटी टू वार्न करके एक पॉलिसी होती है कि आपकी किसी भी देश से कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी खटपट हो, अगर आपको यह पता लगे कि उसके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कुछ हो रही है तो आपका फर्ज है उसको बताना, आपका फर्ज है उसको वार्न करना कि बॉस आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आपके ऊपर अटैक होने वाला है, चाहे आपकी मेरी लड़ाई हो वो अलग बात है। तो ड्यूटी टू वार्न करके है एक पॉलिसी है, वेयर यूएस अलर्ट्स नेशंस और ग्रुप्स अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट्स टू किडनैप और किल मल्टीपल विक्टिम्स। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक्स वुमन है उनका नाम है एंड्रियन वॉटसन अमेरिका की, उन्होंने ये कंफर्म कराया है कि यूएस ने रूस को बताया था कि बॉस अटैक होने वाला है, पहले बता दिया उन्होंने 15-20 दिन पहले, दे हैड टोल्ड रशिया होगा अटैक, बड़ा अटैक होने वाला है, ये यहां जनरल स्पेसिफिक तो नहीं बताया होगा लेकिन उनको पता लग गया इंटेलिजेंस सोर्सेस से कि अटैक होने वाला है, उन्होंने रशिया को बता दिया। रशियाज इन्वेस्टिगेटिव कमिटी रिपोर्ट डेड टोल ऑफ मोर देन 60 पीपल सरपासिंग एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 40। पहले सोच रहे थे कि 40 लोग मरे, अब पता लगा कि 60 की जान गई है। दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही, और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर, नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजिशन इंडिया ने मेंटेन की है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है, या इंडिया किसके साथ खड़ा, इंडिया ने अपनी एक न्यूट्रल पोजिशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। अब यह है कि इंडिया जो है वो इस चीज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो ना तो वो रिप्लेस कर सकता है। अब रशिया अगर इंडिया को सारी सप्लाई बंद कर दे, ठीक है जी, चाइना बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो है वो पहले ही इंडियंस कहते हैं जी 2.5 बात होगी, टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, सो इंडिया जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो रशिया के साथ डिपेंडेंट है, और जितना चाइना अपनी जो हाईटेक वेपनरी जनरेट कर रहा है और डिफेंस पे पैसा लगा रहा है $250-300 अरब पे लेके चला गया, इंडिया तो अभी सिर्फ $70-80 अरब पे जो है वो पैसा लगा रहा है, सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, इंडिया डिपेंडेंट है इस वक्त, सो लेकिन इंडिया ने अपने आप को बैलेंस रखा और अपनी जो नॉन अलाइंड पॉलिसी उसने पिछले 75 साल से रखी, इस मौके पर उनको कामयाब आती है, उनको काम आई। हम जो है वो हम रशिया तो पहुंच गए, लेकिन हम रशिया इसलिए नहीं गए कि हमें रशिया से कोई ज्यादा ही बड़ा मोहब्बत थी, हम रशिया इसलिए भी जाते हैं दुनिया को बताने के लिए कि अब हमारी दूसरे पास लैंड सेट कोई नहीं थे, असी इधर उधर थोड़ा जा फेंकना चाहते हैं, हम पब्लिक में ये तासुर देते हैं, जो जनरल पब्लिक में जो है वो उसमें ये तासुर जाता है। अब